दोस्तों, अगर आपके पास नहीं है आधार तो समझ लो आपका जीना है बिल्कुल बेकार। अब इसको बोलो नया सिस्टम या बोलो अत्याचार, लेकिन ये नया अल्टीमेटम लेकर आ गई है मोदी सरकार। तो अल्टीमेटम है, अपने आधार कार्ड के साथ अपना रुपया, पैसा, जायदाद, संपत्ति सब कुछ आधार के साथ लिंक कर दो। जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं लिंक कर दो आधार के साथ, जितने भी मोबाइल यूज करते हो लिंक कर दो आधार के साथ, अपना पैन कार्ड, अपना सिम सब कुछ लिंक कर दो आधार के साथ, अपने जूते का नंबर, मूवी टिकट देखने जाओ तो टिकट का नंबर, अपने चश्मे का नंबर, अपनी गाड़ी का नंबर, अपने स्कूटर का नंबर, घर में कुत्ता बिल्ली पालते हो तो उनको भी आधार के साथ लिंक कर दो। चले जाते हो रे हैं, तो मतलब कहने का मतलब है कि सारे के सारे बैंक अकाउंट, सारे मोबाइल, सारे के सारे सिम कार्ड्स अब होंगे आधार के साथ लिंक। तो इस अल्टीमेटम के चलते अगर 2018 फरवरी से पहले आपने अपने मोबाइल को इन सब चीजों के साथ, बैंक के साथ, मोबाइल के साथ, पैन के साथ लिंक नहीं किया तो आपका सब कुछ हो जाएगा बंद। आपका मोबाइल बंद, आपका सिम बंद, आपका बैंक बंद, आपका घूमना फिरना, उठना बैठना, हगना मूदना सब बंद, बन बन। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मोदी जी को नमस्कार, मोदी जी की लीला अपरंपार। तो दोस्तों, जवाबी बाबा के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं ये मोबाइल टू सिम लिंकिंग प्रोसेस के बारे में। हम में से कई लोग आलसी होते हैं, ये जो अभी करंट प्रोसेस चल रहा है इस प्रोसेस के तहत आपको फिजिकली किसी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के स्टोर पे जाना पड़ेगा। यानी कि अगर एयरटेल का नंबर यूज करते हैं तो एयरटेल के स्टोर पे जाइए, वहां पर अपना आधार कार्ड लेके जाइए, मोबाइल लेके जाइए, फिर उससे बोलिए कि इसको लिंक कर दीजिए। तो ये प्रोसेस है। जो लोग आलसी हैं उनके लिए थोड़ी अच्छी खबर है कि 1 दिसंबर के बाद से ये प्रोसेस आसान होने वाला है। तो 1 तारीख के बाद से आप ये घर बैठकर कर पाएंगे। इसके लिए 3 अलग अलग सर्विसेज लॉन्च होंगी, एक ऐप सर्विस, IVR सर्विस यानी कि फ़ोन करेंगे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे और ये काम हो जाएगा, और तीसरा है OTP यानी कि SMS करेंगे, 1-time PIN के तहत ये हो जाएगा। तो अभी का जो प्रोसेस है वो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि इसमें आप किसी स्टोर के पास जाते हो, अपने घर से बाहर निकल के जाते हो, फिर उनका उनको अपना मोबाइल देते हो, उनको आधार देते हो, वो आपसे लेते हैं आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन। यानी कि अगर आप किसी स्टोर में जाके ये काम करने को बोलोगे तो वो आपसे फिंगरप्रिंट मांगेगा, आपकी आंखों का रेटिना, आपके दिल की धड़कन, आपके नाक के बाल, फिंगरप्रिंट मांगेगा, और इससे फिर वो फिंगरप्रिंट मैच करेगा। जो फिंगरप्रिंट आपने आधार के टाइम पे दिए थे वो मैच करते हैं तो फिर वो लिंक करेगा। लेकिन 1 दिसंबर के बाद से ये बायोमेट्रिक प्रोसेस को आप अवॉइड कर सकते हैं, और ये जो 3 तरीके मैंने बताए, IVR, OTP और ऐप, ये यूज कर सकते हैं। तो 1 तारीख के बाद से जैसे ये सर्विस लॉन्च होगी मैं एक वीडियो बनाऊंगा और अपना मोबाइल नंबर अपने सिम के साथ लाइव लिंक करके वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा ये कैसे होगा। अभी मोटा मोटा आइडिया यही है कि ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू एक नंबर निकालेंगे जिसपे आपको अपना आधार नंबर SMS करना होगा। जब आप अपना आधार नंबर SMS करेंगे तो आपका टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर उस आधार नंबर को रियल टाइम UIDAI से, यानी कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहां पर भेजकर ये वेरीफाई करेगा कि उस आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। फिर उसी वक्त रियल टाइम उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। अगर आप उसी मोबाइल को यूज कर रहे हैं, उसी नंबर को यूज कर रहे हैं, तो आपके हाथ में वो OTP आ जाएगा। उस OTP को आप दोबारा भेजेंगे उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, और इस तरीके से वेरीफाई होकर आपका मोबाइल आपके सिम के साथ रजिस्टर हो जाएगा। तो इसी के आसपास सिमिलर ये प्रोसेस बनेगा। क्या एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शंस होंगे ये क्लियर हो जाएंगे 1 तारीख के बाद, और इसके ऊपर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोस बनाता रहता हूं। और अब मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, शुक्रिया।